हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और आज दिन है बुधवार और अभी टाइम हो रही है 12:30 बजे। मैं दिन और टाइम बता देती हूँ कि कब का ब्लॉग है और किस टाइम का ब्लॉग है, तो इस तरह सबको पता चल सके इसलिए। और नहा धोकर मैं अभी मतलब हो चुके हैं आधे घंटा और खाना बनाने में लगी हूँ, तो सोचा थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। सुबह से नहीं किया था कि सुबह मतलब हो भी नहीं पाता है। चाहती तो हूँ कि यहाँ सुबह से कंटिन्यू ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, पर हो नहीं पाता है। और मौसम भी आज थोड़ा सा छाँव है, बादल ही छाए हुए हैं, बारिश तो नहीं हुई सुबह से। कल भी बहुत बारिश हुई थी, आज सुबह से बंद है लेकिन बादल छाए हुए हैं और हल्की फुल्की गर्मी भी लग रही है। तो बस माँ अभी थोड़ी देर पहले माँ भी सब्जी काट रही थी, वो काट दी है, मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। तो चलिए और क्या बना रही हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। तो खाने में चावल एक साइड में भी चढ़ाए हैं और आलू फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो फूल गोभी फ्राई हो रहा है, आलू को फ्राई करना है, मसाला भी पीस कर रखा है वो होगा, और एक साग बनेगी। तो ये है आज का लंच, आलू गोभी की सब्ज़ी, साग और चावल। और वहाँ पर चावल की बोरी आई है, हमारा चावल खत्म, मतलब आज ही लास्ट है, कल उसको भरूँगी। चावल और ड्राम को धो दिया है मैंने, तो फिर वो भरूँगी। 25 किलो का पैकेट हमारा आता है, तो 1-1.5 महीने आराम से हमारा चल जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं हम। तो यहाँ पर मेरा जो फूल गोभी फ्राई हो चुका है, आलू को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है तेल में, और यहाँ पर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। और प्याज फ्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो मसाला पीस कर रखा था ना, उसको डाल दिया है। हमारे यहाँ अधिकतर बस खाना जो है, सब्जी जो है, पीस कर ही बनता है। पाउडर मसाला भी आता है, उसको रखा हुआ रहता है। रात के टाइम में पाउडर मसाला मैं यूज़ करती हूँ, दिन के टाइम में पीस कर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने मसाले को भी अच्छे से फ्राई किया और उसमें फिर आलू और फूल गोभी को डाल दिया है, और इसको भी अब थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने भूनकर जिसमें मैं पानी डाल दिया है, और चावल भी मेरी लगभग पकने ही वाली है, और यहाँ पर मैं बिंदी मेरी पसीने से गिर चुकी है, और मेरा ऐसा ही होता है डेली। तो बस जब तक मैंने अभी सब्ज़ी को ढक दिया है, वो पक रही है, तब तक मैं बाहर आ चुकी हूँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, आज के भी हैं, कल के भी हैं। तो जो जो मैं देख रही थी कि अभी खड़ी हूँ, तो जो भी कपड़े सूख चुके हैं मैं उसको उठाकर रख देती हूँ। तो ये कल वाले कुछ कपड़े हैं तो उनको मैं ले लेती हूँ, और जो आज वाले तो अभी सूखते रहेंगे, फिर दोपहर को खाना पीना खाने के बाद मैं लास्ट देख लेती हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ अंदर में भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, और माँ की साड़ी, आप जानते हो मैंने बोला ही है कि दिन में 2-3 साड़ी माँ की होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 साड़ी मैंने ली हुई है, और ये तीसरी साड़ी है। तो ये तो कॉटन की साड़ी है, तुरंत सूख गई थी, तो मैंने हल्का सा धूप मतलब अंदर में ही डाल दिया था। तो बस चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर सूखे मसाले भी आंगन में रखा हुआ है, अभी आया था तुरंत, तो मैंने धूप में डाल दिया है, क्योंकि अभी के बारिश वाले जो मिर्च ने हल्का मॉइस्चर रहता है उसमें। तो बस कपड़े को भी रख देती हूँ, अभी नहीं समेटूँगी। तो आ गई हूँ फिर से मैं किचन में, और सब्ज़ी मेरा बन चुका था तो उसको खाली करके मैंने फिर से कढ़ाई में साग को छोंक दिया है। यहाँ पर सब्ज़ी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए साग भी मैंने छोंक दिया है, और ये आधी गल चुकी है, बस थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और चावल भी मेरी लगभग पक ही चुकी है, अब मैं इसको उतारने ही वाली हूँ। तो बस ये आज का हमारा लंच है। तो बस सब खाना मतलब लंच पूरा बनाने के बाद गैस वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ मैं तुरंत, मैंने अभी नहीं साफ़ किया है, थोड़ी देर ठंडी हो गई इसके बाद, क्योंकि गर्म करना भी नहीं चाहिए। तो बस यहीं पर जितने पहले जो जूठे मतलब जो भी कुछ पड़े हुए उनको मैंने हटा लिया, फिर अच्छे से फिर से कपड़े को मैं धोकर 2-3 बार कपड़े को धोकर मैं गैस को क्लीन करती हूँ। ज़्यादा जब ऑयली देखती हूँ तो फिर वही साबुन वगैरह से मैं धो देती हूँ। तो फिलहाल अभी कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ, 2-3 बार मैं पूरे जो है गैस को पोंछती हूँ, स्लैब को पोंछती हूँ। और बस यहाँ पर 2-4 बर्तन पड़े हैं, इनको भी मैं धो लेती हूँ। तो अभी तो सारे बर्तन धोने के बाद मैं आ गई हूँ आराम से, बैठकर फ़ैन वन चला लिया है, और यहाँ बैठ गई हूँ मैं कपड़े समेटने के लिए, क्योंकि फिर ये काम करना ही है, तो फिर क्यों ये काम पड़े रहना, खुद को ही करना है। तो टाइम देखने से नहीं चलेगा कि बैठो आराम करो फिर करो। तो ये सब कपड़े समेट कर मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगी फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये ब्लॉग कल से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कल दोपहर में हाँ कपड़े समेटने के टाइम में ब्लॉग एंड किया था, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा उसी में इसको, इस आज के वीडियो को मैं
ऐड कर देती हूँ। तो आज है थर्सडे और अभी दोपहर का टाइम है, तो कल कपड़े समेटते टाइम मैंने वीडियो का मतलब कल वहीं पे स्टॉप हुआ, तो और आज भी यहाँ पर कपड़े देखे। अभी मैं जस्ट बाहर से लेकर आई हूँ और अभी रखा है। दो तीन दिन से बारिश कंटिन्यू हो रही है जिसके कारण कपड़े सूख नहीं रहे, तो आज वाले कल वाले परसों ऐसे ही सूख रहे हैं। आज थोड़ी बहुत धूप हुई है तो सुबह से डाल दिया था कपड़े को, और अभी मैं खाना ही बना रही हूँ। तो खाना में चावल पक रहा है, इधर एक सब्जी भी मतलब बनेगी। आज थर्सडे है इसलिए बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है। तो देखिए ये भी और पकेगी, तो इसके बाद ये वाली सब्जी मुझे बनाना है। इसको बॉईल करके हल्दी नमक मसाला सब कुछ देखकर बॉईल करके रखा है, इसको सिर्फ फ्राई करना है। इसे चौचड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। और दाल बन चुकी है, बस ये बन जाएगी, उसको फ्राई करना है। मैंने कुछ सब खाना वाला आज नहीं दिखाया, तो अभी और अभी यहाँ बैठ कर टीवी देख रहा है। आज वो स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी सुबह से ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था, शायद गैस हो गई थी, तो गैस की दवा दे दी है अभी। अभी वो बहुत ठीक है, अभी बोल रहा बोर हो रहा है घर में, तो बोल रहा है मुझे स्कूल ही चले जाना था, ये था। तो बोला आज वो रहने दो, फिर कल जाना है, फिर परसों तो छुट्टी रहेगी क्योंकि विश्वकर्मा पूजा है सैटरडे को, उसके बाद मंडे से उसकी एग्ज़ाम भी है। तो अभी वो फ़िलहाल वो टीवी देख रहा है, उसकी तबीयत मतलब बीच बीच में बोल रहा है हल्का सा दर्द हो रहा है, गैस हो गई थी शायद। तो खाना पूरा बन चुका है, तो मैंने सोचा बनाते हुए तो दिखाया नहीं, तो थोड़ा सा मैं क्या क्या बना मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर एक ये है कद्दू की सब्ज़ी, चौचौड़ी, दाल और चावल बनी है। चौचौड़ी जो बंगाली होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। तो ये देख सकते हो फाइनल हमारा दोपहर का लंच का थर्सडे का ये लंच है, तो पूरा बन चुका है। तो यहाँ पर चलिए इसको पूरे से अभी ढक देते हैं, क्योंकि अभी गर्म ही है, अभी खाने में थोड़ा सा लेट है, और गैस वगैरह भी सब मुझे क्लीन करना है, थोड़ा सा गर्म है, ठंडी हो जाए तब मैं ये सब करूँगी। और इधर इसके बाद जैसे ही खाना वाना ख़त्म हुआ, मैंने बोला कि धूप निकली है, तो बस यहाँ पर बारिश जो है देख सकते हो आप बूंदा बूंदी चालू हो चुकी है। अभी मौसम लग रहा है कि जोरों की बारिश होगी, तो फिलहाल अभी बूंदाबांदी ही चल रही है। मैंने बोला था नहीं क्या सुबह से थोड़ी धूप है, और आज का वर्ष बारिश का मौसम है, जाहिर सी बात है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी 4:30 बजे, और इस बीच में थोड़ा सा सोई थी, मैंने दिखाया था ना बारिश स्टार्ट हो गई है, और जमकर बारिश हुई थी, जोरदार वाली बारिश हुई थी, और अभी भी थोड़ी बहुत चली रही है, मतलब बादल पूरा बादल छाए हुए हैं, बारिश हुई, अभी लगता है फिर स्टार्ट हो रही है बारिश, बीच में बंद हुई थी फिर स्टार्ट हुई है। तो मैं उठ गई हूँ, थोड़ा सा लेटी थी, थोड़ा सा सोई भी थी थोड़ी देर के लिए। तो हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ कि आज है दिन शुक्रवार, और ये ब्लॉग जो आप देख रहे हो 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, इसका एंड ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर शाम की चाय बना रही हूँ मैं, और यहाँ मैं बाहर दिखा रही हूँ कि हस्बैंड और बेटे मतलब अभीर मतलब लगा हुआ है अपने गाड़ी बाइक सबको धोने के लिए, क्योंकि कल है विश्वकर्मा पूजा, तो उसी की सारी तैयारी यहाँ पर हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। तो मैं बाहर आके आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड और अबीर को तो मौका चाहिए कि गाड़ी वगैरह धोना हो, पाइप लग जाए और पानी मतलब उसे खेलने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो उसने अपने कपड़े भी मतलब गीले कर लिए हैं, और वो गंजी खोल चुका है। मैं उसे पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, चुपके से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो अगर पता चल जाए तो वो बनाएगा नहीं, वीडियो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर वो अपनी साइकिल धोने पर लगा हुआ है, मैंने बोला कि पापा धो रहे हैं तो तुम भी अपनी साइकिल को धो, विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा की तैयारी करो। तो हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा की तैयारी हो रही है, आज है शुक्रवार, तो ये शाम का टाइम है, तो बस यहीं पर यहाँ पर चल रहा है। और बस अबीर तो फुल मस्ती में है, वो कर रहा है अपनी मतलब पूजा की तैयारी। मैंने बोला कि ठीक है आज जैसी धोने की तैयारी करो, कल पूजा की भी तैयारी करना। तो हमारे यहाँ तो विश्वकर्मा पूजा की तैयारी चल रही है। तो ये आज का छोटा सा ब्लॉग है, तो आई होप आपको पसंद आएगा, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।